मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हनुवंतिया पर्यटकों के लिए सजकर तैयार है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू में प्रदेश के सबसे बड़े आयोजनों में से एक जल महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन 20 दिसंबर से 20 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। बुधवार से शुरू होने वाले जल महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ रहे हैं। इससे पूर्व के सभी जल महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री बदलने से आयोजन का शुभारंभ हमारा छोटा हो गया है। इवेंट मैनेजमेंट संस्था डेजर्ट सिटी संचालक प्रणव वीर सिंह ने बताया कि मांधाता विधायक नारायण पटेल की उपस्थिति में जल महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। हाँ, यहाँ का ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही अद्भुत है, मन को लुभाने वाला है, आकर्षक है। और ये जो ऐसा समुद्र जैसा ही लग रहा है पानी, यहाँ का काफ़ी अच्छा लगा। एमपी में से टूरिस्ट स्पॉट है, उन लोग उसके लिए सरकार ने भी क्या करना चाहिए और लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कि सरकार के स्पॉट जो है बनाने चाहिए, डेवलप करने चाहिए। और जैसे ही हम भोपाल से आए तो यहाँ देख के जो है बहुत खुश हो गए, तबीयत खुश हो गई, यहाँ का नज़ारा देख के, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देख के, और ये लहलहाता ये पानी समुद्र ये सब देख के जो है एक अनोखा सौंदर्य की अनुभूति हुई हम लोगों को। सब चहचहा उठे एकदम से, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत अद्भुत, बहुत आकर्षक। शर्मा भोपाल, सुनीता काबरा। क्योंकि जो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इस बार की जल महोत्सव की डेट्स है वो 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक है। इसके अंदर हमने यहाँ 100 टेंट लगाए हैं। 100 टेंट के साथ में हमने एयर वाटर एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे की है। एयर वाटर एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हमने जैसे जिप लाइन है, रोप कोर्स है, इसके बाद में हॉट एयर बलूनिंग है, इसके बाद में आपका पैरामोटरिंग है। हम पैरामोटर्स भी इस बार नई मशीन लाए हैं, बड़ी वाली जो बड़ी मशीन है वो जो लेटेस्ट इंडिया के अंदर है वो मशीन हम लेके आए हैं। इसके बाद में हम इस बार हाउस बोट भी चला रहे हैं। हाउस बोट के अंदर आपको सुविधा मिलेगी, आप किटी पार्टी कर सकते हैं, आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये सब थोड़ा सा मौसम पे भी डिपेंड रहेगा, जब हवा की गतिविधि और सब कुछ सही रहेगा जब ये पार्टीज हो पाएगी रेगुलर, मतलब जब भी मौसम ठीक रहेगा जब ये सब कुछ हो पाएगा। इसके अलावा गेस्ट के एक्सपीरियंस के लिए कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं हम। कुछ हम क्राफ्ट शॉप जो भी यहाँ का खंडवा का और निमाड़ का जो क्राफ्ट है उसको प्रमोट करने के लिए कुछ क्राफ्ट हम क्राफ्ट बाजार लगा रहे हैं, फूड बाजार है, छोटा सा एक फूड बाजार लगा रहे हैं। और इस बार हमने एक नई गतिविधि की है कि हम टेंट सिटी के अंदर का पूरा टूर करा रहे हैं, जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको एक 20 रुपये का टिकट लगाया है। उसके अंदर 20 रुपये टिकट के अंदर वो आके यहाँ पे शाम का कल्चरल प्रोग्राम भी देख पाएंगे। इसके अलावा वो पूरा एक टेंट सिटी का ट्रिप बाहर बाहर से करके और पूरा दूसरे गेट से बाहर निकल जाएंगे। तो एक नई चीज़ है, नया अट्रैक्शन, लोग बाग जहाँ आते हैं सब लोग कहते हैं हमको टेंट सिटी देखनी। तो हमने उसकी इस बार वो व्यवस्था की है कि दोनों चीज़ को एक बैलेंस किया है कि जो लोग हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो इनहाउस गेस्ट हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो भी पूरा उसको देख के और उसका पूरा, जैसे हमारा बोट ट्रिप है उस पर हमने कुछ सेल्फी पॉइंट जो बनाए तो लोग आए और सेल्फी लें और उसके यादगार बनाए अपने यहाँ पे जो भी लोग आते हैं। खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।